क्या ऐसा हो सकता है कि सिगरेट का धुआं मुंह पर मारने से मना करने पर नाराज कोई शख्स दो लड़कों को कार से रौंद दे? आरोप यही लग रहा है और कुचले गए दो लड़कों में से एक की मौत हो गई है जबकि दूसरा घायल है। इस मामले में घायल शख्स का बयान अहम है जिससे अब नई बात सामने आ रही है। ये तस्वीरें बताती हैं कि हादसा कितना दर्दनाक होगा। 17 सितंबर को इस कार की टक्कर से बुलेट चला रहे गुरप्रीत की बुधवार सुबह मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त मनिंदर घायल हो गया। इस कार ने बुलेट के अलावा एक ओला कार, एक बाइक और एक ऑटो को टक्कर मारकर तहस नहस कर दिया। सर, ये एक्सीडेंट 17 तारीख की सुबह एक्सीडेंट हुआ तो मेरे को 6:20 पर फोन आ गया था। पहले इस घटना को महज हादसा समझा गया क्योंकि मनिंदर और बुलेट चला रहा गुरप्रीत बयान देने की हालत में नहीं थे। पुलिस ने ओला कैब के ड्राइवर की शिकायत पर एक्सीडेंट का मामला दर्ज कर लिया, लेकिन घायल मनिंदर ने पुलिस को जो बयान दिया उससे कहानी कुछ और नजर आ रही है। इसके मुताबिक गुरप्रीत और वो फोटोग्राफी का कोर्स कर रहे थे। 17 सितंबर की सुबह वो सफदरजंग हॉस्पिटल के पास फुटपाथ पर सो रहे लोगों की डॉक्यूमेंट्री बनाने आए। वहां नशे में चूर एक शख्स उनके मुंह पर ही सिगरेट का धुआं उड़ाने लगा। मना करने पर वह दोनों से झगड़ने लगा। इसके बाद गुरप्रीत अपने दोस्त मनिंदर के साथ बुलेट से वहां से निकल गया। 400 मीटर आगे पहुंचा ही था कि एक कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी। मैंने एग्जैक्टली तब नहीं देखा कि किसने मारा, बट जब हम गिरे तो वहां से भागने की मतलब ट्राई थी उसकी, तो उसने आगे जाकर एक ऑटो और कैब को ठोक दिया और उसी चक्कर में उसकी गाड़ी वहीं पे रुक गई। और जब मैं गुरप्रीत को उठा के एक अनजान आदमी की हेल्प से उठा के ऑटो में डालकर अस्पताल के लिए निकला तो रास्ते में मैंने देखा कि मतलब ये वही शख्स था जिसके साथ हमारी बातचीत हुई थी और उसकी गाड़ी भी वही थी। पुलिस ने पहले एक्सीडेंट के मामले में आरोपी रोहित मेहता को गिरफ्तार कर जमानत दे दी थी, लेकिन अब उसे नई धाराओं में गिरफ्तार करने की तैयारी हो रही है। हम जो भी अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन, स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन बनेगा, अभी हम वो लीगल एक्शन लेंगे। आरोपी के पिता आईआईटी गुवाहाटी में प्रोफेसर हैं और रोहित अभी लॉ की पढ़ाई कर रहा है। अब ये साफ हो गया है कि आरोपी ने जानबूझकर टक्कर मारी जिसमें एक लड़के की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। नई जानकारी आने के बाद पुलिस आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कर रही है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।